देखो कैसे करना है। मान लो तुमको परिचय देना है, ठीक है? परिचय देना है तो परिचय में सबसे पहला क्या होता है, जब हम किसी बड़े को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, हिंदी में परिचय देते हैं, तो क्या लगाते हैं? श्रीमान जी। क्या लगाते हैं? श्रीमान जी, क्योंकि ये आदरणीय माना जाता है। तो जिसको भी हम आदर देते हैं, उसको हम सम्मान आदर देते हैं, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? श्रीमान जी, ठीक है? तो श्रीमान जी सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है किसका? अपना। किसका होता है? अपना। तो पहले अपना नाम बताओगे तभी तो किसका नाम बताओगे। तो सबसे पहले क्या बोलना है? श्रीमान जी मेरा नाम, जो भी नाम है वो बोलना है, ठीक है? फिर दूसरा क्या करना है, जहां तुम रहते हो उसके बारे में बताओगे। तो श्रीमान जी मैं इस ग्राम का आपकी निवासी हूँ। फिर किस कक्षा में पढ़ते हैं? श्रीमान जी कक्षा एक का आपकी विद्यार्थी हूँ। फिर श्रीमान जी मेरे स्कूल का नाम, अब स्कूल का नाम जैसे मान लो यहाँ पे जो भी स्कूल हो गया, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर या कोई भी है, तो वहां उसका नाम लिखा है। फिर श्रीमान जी मेरे पिताजी का नाम श्री, यहाँ श्रीमान जी भी लिखोगे और पिताजी के सामने श्री भी लिखोगे, ठीक है? तो श्री जो भी लिखना है, पिताजी का नाम है उसके बाद है। फिर श्रीमान जी मेरे माता जी का नाम श्रीमती, जो भी तुमको लिखना आभासा है। फिर लिखना है श्रीमान जी मेरे पिताजी, जिसके फादर नौकरी करते होंगे नौकरी, और जिसके फादर बिजनेस करते होंगे वो व्यवसाय लिखेगा, करते हैं। और मैक्सिमम लोगों की माता जी क्या होती है? गृहिणी होती है, जो घर का काम काज करती है उनको गृहिणी बोलते हैं। फिर श्रीमान जी मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी के 10 होते हैं, लेकिन जिसके जितने परिवार में लोग होंगे उतना लिखना है। फिर श्रीमान जी मुझे खो खो खेलना पसंद है। अब कोई खो खो लिखता है, कोई छुपन छुपाई लिखता है, कोई क्रिकेट लिखता है, कोई लूडो लिखता है, जिसको जो पसंद होगा यहाँ लिख लेगा। फिर श्रीमान जी मुझे खाने में, जैसे मुझे मिठाई पसंद है तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? मिठाई बहुत पसंद है। उसके बाद श्रीमान जी मेरा या मेरी प्रिय मित्र, मित्र किसके लिए लिखेंगे? लड़कों के लिए। और सहेली किसके लिखेंगे? लड़कियों के लिए। आभासा है, ठीक है? जो भी नाम होगा उसका वो यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे? धन्यवाद, ठीक है? धन्यवाद इसलिए जरूरी है कि मान लो हमसे कोई इतनी चीजें पूछ रहा है, तो लास्ट में धन्यवाद दे देंगे तो उसको खुशी होगी कि आप जो है उसके बताए, उस पर पूछी हुई चीजों को बता दिए, और भविष्य में वो पूछने पूछेगा तो आपकी स्किल डेवलप होगी। इसीलिए लास्ट में क्या करना है? हमको धन्यवाद देना है, ठीक है?